आप सभी मित्रों को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल जड़ी बूटी उपचार सिलवानी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जड़ी बूटी के संदर्भ में आज चर्चा करते हैं कुश की। जी हाँ, देखिए ये कुश है, हिंदी में इसको कुसा डाव आदि नामों से जानते हैं, संस्कृत में कुश यज्ञ भूषण आदि नामों से जाना जाता है। देखिए आप इसकी पहचान करिए, इसके पत्ते हरे गहरे हरे रंग के होते हैं और इसकी जो जड़ें होती हैं इनमें से एक तंतु निकलता है जो सुई की तरह होता है, हाथ लगाने पर सुई की तरह चुभता है। इसकी असली पहचान यही है कि ये कुश है। अब आइए इसके गुणों के बारे में जानते हैं। गुण लघु स्निग्ध है, रस मधुर कषाय है, वीर सीत है, विपाक मधुर है, दोष कर्म यह त्रिदोष सामक है। अब आइए इसके उपयोग के बारे में जानते हैं। कुसा बहुत ही पवित्र है, इसको घर में लाकर इसे कुश पाठनी अमावस्या पर लाकर जरूर रखना चाहिए। कुश तृण पंचमूल आदि क्वाद का प्रमुख घटक द्रव्य है। पहले भी मैं एक वीडियो कांस की डाल चुका हूँ, ये जो है तृण पंचमूल क्वाद का घटक द्रव्य है। कुश भी तृण पंचमूल क्वाद का घटक द्रव्य है। आइए अब इसके बारे में जानते हैं कि ये किस तरीके से बनाना है। कुश कांस डाव ईख सर इन सभी की जड़ों को लेकर कूट पीस कर रखें और 10 ग्राम की मात्रा में यह चूर्ण 100 ग्राम पानी में उबालें। जब उबलते उबलते यह पानी 50 ग्राम बचे तब इसको छानकर पीने से मूत्र मार्ग में जलन हो या मूत्र रुक रुक कर आता हो या बस्ती प्रदेश में सूजन हो या पथरी हो तो ये सभी विकारों के लिए बहुत ही लाभदायक औषधि है। फिर मिलेंगे किसी अन्य वनस्पति के साथ, तब तक के लिए आप सभी मित्रों को जय हिंद, जय आयुर्वेद।